हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित पीआर टेक्निकल में। तो इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को अपस्टॉक के अंदर किसी भी शेयर को खरीदना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से आप लोग सब लोग समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ओपन कर लेते हैं अपना अपस्टॉक। तब तक मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी क्रिप्टो रिलेटेड आपको और शेयर रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हो आपको सब कुछ टाइम से मिलती रहे और आप हमेशा अपडेट रह सकें। तो मैं बायोमेट्रिक अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ। बायोमेट्रिक कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा समय लगेगा इसको खुलने में। तो मैं अपने चैनल पर सारी की सारी अपडेट देता रहता हूँ, चाहे स्मार्टफोन या फिर आपके शेयर मार्केट से जुड़ी, आपको अर्निंग से रिलेटेड जितना भी हो सब कुछ मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो मैंने शेयर खरीद लिया, तो अभी तक मेरे अकाउंट में जो बचा हुआ बैलेंस है वो 7 रुपये है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से आप लोग इसको शेयर को खरीदेंगे, ठीक है। वॉल्यूम बैलेंस को मैं ऐड कर लेता हूँ, तब तक इसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से करना। तो हम खरीदेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर। देखिए चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है और मैंने बैलेंस लोड कर लिया, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब मैं खरीदूंगा एक शेयर, मैं आपको खरीद के बताऊंगा किस तरीके से खरीदना है, ठीक है। चलो मैं ओपन कर लेता हूँ आपको नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे देखिए आप दो एप्लीकेशन, ओल्ड वेबसाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टॉक का ओल्ड वाला भी कर सकते हैं और न्यू वाला भी कर सकते हैं, यानी दो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों के दोनों स्टॉक के लिए ही है। तो कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं होने वाली है। चार्ट भी देखो, मैंने चार्ट पे क्लिक कर दिया है तो चार्ट यहाँ पे खुल जाएगा अभी। और यहाँ पर देखो क्वांटिटी भी मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर है, और बाई मुझे करना है, डिलीवरी में लेना है मुझे। अब मैं रिव्यू पे करूँगा, आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे जो चाहें वो कर सकते हैं। आप इंट्राडे में भी इसको खरीद सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक क्वांटिटी लूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी मुझे नहीं लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप स्टॉक के अकाउंट में इसको खरीदेंगे। तो अगर अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट जल्दी से बना लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप अकाउंट को बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रिव्यू पे अभी स्वाइप टू शेड्यूल ऑर्डर पे कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए स्वाइप टू शेड्यूल ऑर्डर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर रिसीव हो चुका है उन्हें, और वहाँ पे जैसे ही ऑर्डर रिसीव हो जाएगा मेरा होल्डिंग में भी दिखाने लगेगा ये। तो ये तरीका होता है आपको एक शेयर को खरीदने का। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर में आ गया, उसके बाद ये होल्डिंग में अभी आ जाएगा। और भी मैं आपको बातें बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिएगा। अकाउंट जरूर बना लें, स्टॉक का डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो शेयर को खरीदने के बाद मैंने आपको डेमो बता दिया किस तरीके से मैंने शेयर खरीदा है। अब देखो ये लिस्टिंग कहाँ पे होगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिस्ट होगा। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे लिस्ट होता है। देखो यहाँ पे माई लिस्टिंग का ऑप्शन है, ट्रेड का ऑप्शन है, डिस्कवर का ऑप्शन है, ठीक है। ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप जाएँ, जैसे आएंगे यहाँ पे देखिए पूरा आपको मिल जाएगा जितनी भी कंपनियाँ हैं, और उसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं अपने अनुसार और अपनी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ भी दे रहा है, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे न्यूज़ भी आपको मिलती रहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में क्या क्या न्यूज़ रही, ये भी आपको मिलता रहेगा साथ साथ में। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ओपन करना है इसको। देखो यहाँ पर सोशल न्यूज़ में आपको xyz.xyz पे आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जितनी भी फाइनेंशियल जितनी भी न्यूज़ होती है सब आपको मिलती रहती है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैंने बोला था आपको ट्रेड पे ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए एक पोजिशन होल्डिंग एंड ऑर्डर ये सारा आपको यहाँ पर दिख रहा है। पोजीशन पे आपकी जितनी पोजीशन है वहाँ पे PIL टुडे एंड PLA टोटल आपको PNL टोटल दिखाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे होल्डिंग आपकी दिखाएगी। होल्डिंग में आप जैसे आएंगे यहाँ पे देखिए मेरा 1 रुपये माइनस में जा रहा है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऊपर नीचे तो होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे चार्ट में भी आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर देखो अब यहाँ पे देखिए शो कर चुका है PNL टोटल कितना मुझे 1.65 का इसमें देखिए होल्डिंग में दिखा रहा है। पोजीशन में जब आप देखेंगे तो टूडे जब भी आपको बेनिफिट होगा तो यहाँ पर शो करेगा, और होल्डिंग जब भी आप डिलीवरी में लेते हैं तो यहाँ पे होल्डिंग में रहता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना का हुआ है, यहाँ देखिए करंट वैल्यू इसकी 101.75 हो गया है। क्लिक करेंगे सेल वाले पे, मैंने सेल खरीदा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैंने खरीदा, और मुझे अभी ज़्यादा मैंने क्वांटिटी नहीं लिया, आपको बताया मैंने किस तरीके से खरीदा जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो दोबारा से फिर से यहाँ पर बाई कर सकते हैं। यहाँ से चार्ट आप देख पाएंगे और चार्ट बहुत ही खूबसूरत चार्ट आता है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेलिंग मिल जाती हैं। यहाँ पर आप अपने अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने अनुसार, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड भी कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इसका जो इंटरफेस है ना, बहुत सही इंटरफेस है, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे, और भी अच्छी अच्छी जो शेयर है मैं आपके उसके बारे में भी बताता रहूँगा। तो आप लोग चैनल में जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।